दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं फिलिप्स का 21 इंच कलर टीवी, फ्लैट मॉडल में है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अल्ट्रा स्लिम भी है, ये अल्ट्रा स्लिम भी है। और इसका सप्लाई देने के बाद में पावर सही बता रहा है, ये HT बन रहा है, लेकिन पिक्चर ट्यूब में लाइट नहीं है। अब हम इसको सप्लाई देके दिखाते हैं। ये सामने में इंडिकेटर, मैं सप्लाई दे देता हूँ उसे, तो ये इंडिकेटर जल गया। अब हम इसे चैनल प्लस दबा के इसे मैनुअली ऑन करते हैं। अभी स्टैंड बाय में है, इसे हम ऑन करते हैं। तो ये टीवी कभी कभी स्क्रीन में लाइट दे देता है, कभी कभी नहीं देता है। अभी ये HT ऑन हो गया है, उसका साउंड भी आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर लाइट नहीं है। इतना देर में लाइट आ जाना चाहिए था। तो फिर से एक बार हम इसे ट्राई करते हैं, इसका सप्लाई ऑफ कर देते हैं मेन से, और फिर हम एक बार इसे ऑन कर देते हैं। ये स्टैंड बाय जल गया है। अब हम चैनल प्लस दबा करके टीवी को ऑन करते हैं। ये टीवी ऑन हो गया है। कभी कभी ये स्क्रीन पर लाइट आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो ये इसका फॉल्ट है। तो दोस्तों, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से इसे खोलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि फॉल्ट कहाँ है और इसे बनाते हैं। तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं। मैंने इसका स्क्रू, कुछ स्क्रू इसे हटा दिया है। तो मैंने टीवी का कवर खोल दिया है। तो ये रहा टीवी का पिक्चर ट्यूब, 50% अल्ट्रा स्लिम टीवी है। और अब हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं इस टीवी का सर्किट। आप देख सकते हैं तो इस पर हम अभी सप्लाई दे के चेक करेंगे और मेजरमेंट करेंगे मल्टीमीटर से कि सप्लाई कहाँ से फॉल्ट है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज नहीं होने पर, कंप्लीट रिक्वायरमेंट वोल्टेज नहीं होने पर ही ऐसा फॉल्ट होता है। तो चलिए अब हम सर्किट को बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस
पर हम सप्लाई देते हैं और इसका मेन ईएचडी वोल्टेज हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए 110 से 130 वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं और देखते हैं क्या ये करंट, क्या ये डीसी वोल्टेज बन पा रहा है। तो चलिए हम इसका सर्किट में सप्लाई देते हैं। तो मैं सप्लाई ऑन कर दे रहा हूँ, तो मैंने ये ऑन कर दिया है। इधर एक रेड इंडिकेटर है और अब हम इसका वॉल्यूम प्लस दाब करके इसको मैनुअली ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका हम पावर ऑन करते हैं। तो कुछ साउंड आ रहा है ईएचडी ऑन होने का। तो सबसे पहले हम अभी ईएचडी पर जाने वाला मेन सप्लाई देखते हैं। तो मल्टीमीटर को मैंने 250 वोल्ट के रेंज में रखा है और इसे हम मेजरमेंट करते हैं ईएचडी के मेन सप्लाई से। तो वोल्टेज कम बन रहा है, आपको हम दिखा देते हैं। ये मल्टीमीटर 250 के रेंज में है। अब हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये इस पर लिखा हुआ है प्लस बी, तो चलिए हम इस पर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 50 से 60 वोल्ट मिल रहा है इस पर। तो सबसे पहले हम इसका सप्लाई सही करेंगे। तो चलिए टीवी को बंद करते हैं और सर्किट को उल्टा करके देखते हैं, कंपोनेंट्स चेकिंग करते हैं। तो मैंने सप्लाई काट दिया है और अब हम देखते हैं आखिर सर्किट में कहाँ प्रॉब्लम है। पहले हम सर्किट को ऊपर की ओर से चेक करते हैं। तो कुछ इस तरह है सर्किट का बनावट। तो ये पावर सेक्शन है, ये मेन पावर SMPS ड्राइवर ट्रांसफार्मर, इसके बाद ये कंडेंसर। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंडेंसर है छोटा सा, इस पर एक छोटा सा कंडेंसर है इस जगह में। मैं सीधा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर तीन कंडेंसर है, इसमें एक कंडेंसर खुला हुआ है। तो इसको हम खोलते हैं, पहले इस कंडेंसर को खोलते हैं, इसके बाद फिर इसके जगह पर दूसरा लगाने का कोशिश करेंगे। देखते हैं ये कितना वैल्यू का है। तो वीडियो पर बने रहिए, हम इसे सोल्डरिंग आयरन गर्म करके खोलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो कंडेंसर है तीन, दो एक साइज का है, एक थोड़ा छोटा है, ये काफ़ी हीट हो गया था और ये कुछ फटा हुआ भी है। चलिए आप इसको हम सॉल्डरिंग से हटा करके आपको दिखाते हैं। पहले इसे हम सर्किट से हटाते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं ये कितने वैल्यू का है।
सप्लाई के पैरेलल में है, 110 सप्लाई के पैरेलल में है, और ये कुछ इस तरह है, फटा हुआ है हल्का सा, और इसका वैल्यू है 160 वोल्ट, 22 UF। तो चलिए हम इसके जगह में दूसरा वाला कंडेंसर डालते हैं। ये जो फॉल्ट है इस फ्लिप्स टीवी का, और ये मैं कुछ बड़ा साइज का इस पर लगा देने वाला हूँ, बट वैल्यू सेम है, सिर्फ वोल्टेज थोड़ा सा अलग है, 250 वोल्ट है, 22 UF है, कैल्ट्रॉन का है। चलिए अब हम इसको लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले इसका हम लेग को लीन कर देते हैं, और माइनस प्लस पोलरिटी इधर मार्किंग किया गया है, इसको माइनस की तरफ लगाना है, ये ध्यान रहे, नहीं तो कंडेंसर ब्लास्ट भी होता है। तो ये मैंने कंडेंसर को पोल्ट्री वाइज इसका पोल्ट्री जैसा है उस हिसाब से इसको मैंने दे दिया है। अब इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो मैंने सोल्डरिंग कर दिया है, इसका एक्स्ट्रा लेग को काट देते हैं। इस 110 डीसी वोल्टेज के लाइन में और एक कंडेंसर है, उसको भी चेक कर लेते हैं, उसका फॉल्ट तो नहीं है। तो यह है दूसरा कंडेंसर, उसके पैरेलल में दो कंडेंसर है, ये बड़ा साइज है, ये मेन फिल्टर है। ये भी हल्का सा फुला हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो चलिए इसको भी हम बदल देते हैं। का वैल्यू है 100 UF, 160 वोल्ट। तो दोस्तों पहले फिलिप्स का सर्किट में ये दो 110 वोल्ट के पैरेलल में एसी सप्लाई में लगा हुआ था, जो कि ये ज़्यादा फटा हुआ है और ये थोड़ा कम, बट इसका वैल्यू है 100 UF, 160 वोल्ट। तो चलिए इसके जगह में हम ये लगा देते हैं, ये भी सेम वैल्यू है, 100 UF, 160 वोल्ट। एक मैं बदल चुका हूँ, अब दूसरे को बदल करके देखते हैं, टीवी ऑन करके देखते हैं, पहले इसे हम लगाते हैं जल्दी से।
कनेक्शन कर लेते हैं जहाँ से हमें लगाना है। पर तो मैंने क्लीन कर दिया है, इसे हम लगाते हैं जल्दी से। जैसा पोलैरिटी होगा वैसा लगाएंगे, माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में। तो ये मैंने लगा दिया है 110 डीसी वोल्टेज के पैरेलल में। इसे हम सोल्डरिंग कर देते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लिया है। अब हम इसको देखते हैं, ऑन करके देखते हैं क्या ये अब लाइट आएगा। फिलिंग कर लेते हैं, अगर कहीं पर लेड तो लाइन के बीच में अगर फंस जाए तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता है। आइए अब हम इस पर सप्लाई लेके देखते हैं। तो ये दो पार्ट्स मैंने बदला है, एक है 160 वोल्ट 22UF और एक है 100UF 160 वोल्ट। ये दोनों 110 80 के सप्लाई में हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जाने वाला सप्लाई के पैरेलल में रहता है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस पर सप्लाई देते हैं और देखते हैं टीवी पर लाइट। देख सकते हैं ये इंडिकेटर। अब मैं इसका चैनल प्लस दबा देता हूँ, ये स्टैंड बाय मोड में है। और अब देखिए तो बिल्कुल आप देख सकते हैं टीवी पर लाइट आ गया है। फिर से एक बार इसे ऑन ऑफ करके देखते हैं, ये स्टैंड बाय जल गया है। और अब हम इसका चैनल प्लस को दबाते हैं, प्रोग्राम प्लस। टीवी साउंड आया, ऑन ले लिया है। ये आप देख सकते हैं चैनल नंबर भी। एक बार मेनू दबा के देखते हैं, आप देख सकते हैं मेनू भी आया।
और एक बार देखते हैं। तो ये था दोस्तों फिलिप्स अल्ट्रा स्लिम टीवी का पावर प्रॉब्लम, हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको दिखाते रहें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।